हाँ कहो। बेगम साहिबा, वो छोटे सा ही आपसे मिलने आए। क्यों आए हो यहाँ? जी मैं रामीन की। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से मेरी नवासी का नाम भी लिया तो। वो मेरी बेटी भी है। इतने अरसे से मैं उसकी सूरत देखने को तरस गया हूँ। 4 साल के बाद आज तुम्हें अपनी औलाद का ख्याल आ गया? नहीं चाची, नहीं। मुझे उसका ख्याल रोज आता था। कोई एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मैंने उसको मिस ना किया हो। सिर्फ आपकी नाराजगी के डर से मैं यहां नहीं आता था। मैं मानता हूं कि मैं आपका मुजरिम हूं। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। मुझे बताएं मैं किस तरह माफी मांगूं आपसे। बहुत शर्मिंदा हूं अपने किए पर। वो जो भी कुछ हुआ मैंने इंटेंशनली नहीं किया। बेहतर है कि तुम यहां से चले जाओ और दोबारा यहां कदम मत रखना। तुम्हारे हिस्से की जायदाद तुम्हें मिल गई है। यह हवेली और बाकी के जायदाद भी मेरे मरने के बाद तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं। आप प्लीज ऐसी बातें मत कहें। मुझे इस जायदाद या हवेली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस अपनी बेटी से मिलने आया था और आपसे माफी मांगने आया हूं। जो कुछ हुआ आप उसे भूल जाइए। मैं मानता हूं आपका मुझे माफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। प्लीज मुझे मुझे माफ कर दे। तुम्हारी नाराजगी से, तुम्हारी शर्मिंदगी से मुझे क्या लेना देना? तुम्हारे माफी मांग लेने से मेरे घर की खुशियां वापस नहीं आ सकती। बेहतर है कि तुम चले जाओ। नानो, नानो। रामीन, चची बस एक बार, समीना, एक बार मुझे गले लगाने दे। समीना, ले जाओ इसे। मेरी बात सुन। रामीन, रामीन बेटे यहाँ। उसकी माँ की बेटी है जिसके तुम कातिल हो। मैं कातिल नहीं हूँ किसी का। चची, वो जो कुछ हुआ था वो एक्सीडेंट था। आपको क्यों यकीन नहीं आता है? मैं तुम्हें उसके करीब भी नहीं आने दूंगी। तुमने सब कुछ मेरा छीन लिया है। मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी मुझसे छीनना चाहते हो? नहीं, मैं रामीन को आपसे छीनने नहीं आया और ना ही उस पर अपना हक जताने आया हूं। मैं सिर्फ एक बार उससे मिलने आया था और आपसे माफी मांगने आया था। अगले हफ्ते मैं रामीन के नाम से एक न्यूज चैनल लॉन्च कर रहा हूं और बहुत जल्द अपना सियासी करियर भी शुरू करूंगा। चचा जान का ख्वाब था, बस उसे अब पूरा करने जा रहा हूं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत पड़ेगी। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश यह है कि आप अगर इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी बन के आ जाएंगी। मेरी उस तकरीब में शिरकत नामुमकिन है। रही बात तुम्हारी सियासत की, तुम्हें क्या लगता है इतनी बदनामी, इतनी जिल्लत के बाद ये गांव के लोग तुम्हें अपना लेंगे? वो तो तुम्हें हमारी घर की बर्बादी का जिम्मेदार समझते हैं ना। समझते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चचा जान की ख्वाहिश पूरी करके दिखाऊंगा मैं आपको। मैं आपको ये इलेक्शन जीत के दिखाऊंगा। कुछ अरसे बाद दोबारा हाजिर होऊंगा आपके सामने और अब उम्मीद करता हूं कि आप मुझे रामीन से मिलने से नहीं रोकेंगे।
आज के मेरे तमाम अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिए, मुझे कल सुबह की फ्लाइट से लाहौर जाना है। आपने मेरी स्पीच और प्रेजेंटेशन ईमेल कर दी है? जी सर, मैंने कर दी।